नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदरा प्रखंड के कोनन मध्य विद्यालय के शिक्षक रंजीत कुमार। ये वही शिक्षक है जिनका जो है पढ़ाने का स्कूल में अनोखा अंदाज पूरे ज़िले भर में एक तरह से कहें तो अनोखा है और वायरल भी है। और अभी हाल ही में इनका एक और वीडियो वायरल हुआ है स्कूल का, जिसमें स्कूल के सारे बच्चे रो रहे हैं और ये इनको समझा रहे हैं आखिर क्या है मामला, क्यों बच्चे स्कूल के सारे रो रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या मामला है कि एक वीडियो आपका वायरल हुआ है, इसमें स्कूल के सारे बच्चे रो रहे हैं, तो क्या है ये? जी सर, वो ऐसा है कि वर्ग 8वीं के जो बच्चे हैं उनका वार्षिक एग्ज़ाम समापन के बाद अब वो इस विद्यालय से निकल जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे, वो हाई स्कूल के लिए जाएंगे। तो जो बच्चे हैं 8 वर्षों का सफ़र उनका हमारे साथ रहा और इन 8 वर्षों में मैंने उन्हें पिता तुल्य और एक शिक्षक होने के नाते प्रेम स्नेह और खेल कूद के साथ साथ उनकी पढ़ाई वगैरह हुई, तो वो उन्हीं सब चीज़ों को याद करके उनके आंखों में आंसू आ गया कि सर 8 वर्ष जो हमें आप प्यार दिए, जो पढ़ाए और आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो हम हमेशा उसे याद रखेंगे और आप एक पिता के समान हमें प्यार भी दिए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर बच्चे रो रहे थे कि सर अब आप हमसे छूट जाएंगे, हम आपसे मिलेंगे नहीं और विद्यालय हमसे छूट जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जब वर्ग कक्ष में प्रवेश किए तो बच्चे काफ़ी इमोशनल हो गए, रोने लगे और उनके आंखों में आंसू देखकर हमारे भी आंखें पलके भींग गई। अच्छा, ऐसा क्या है कि जो है आपके बच्चे जो हैं आपको मिस करते हैं, रोते हैं, ऐसा क्या आप में है और शिक्षकों के अलावे, और क्या तरीका है आपके पढ़ाने का जिसके वजह से जो बच्चे इतना पसंद करते हैं और आपको मिस करते हैं और छोड़ के जाना नहीं चाह रहे स्कूल जाने के बाद? क्या मैं ऐसा कुछ विशेष तो नहीं कर रहा हूं सर, बट क्या है कि एक शिक्षक होने के नाते ईमानदारी पूर्वक जो मेरा कर्तव्य है, बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण, उन्हें किस तरह का शिक्षा दी जाए ताकि वो उसे अच्छे से ग्रहण कर सके, इसके लिए खेलकूद हो गया, अन्य कई प्रकार की गतिविधि हो गई, प्रदर्शनी हो गई, जिससे बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं, पढ़ते भी हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाती है। तो पढ़ाने का ये अनोखा तरीका कहाँ से, इस तरह के आइडिया आते हैं? ये जो आइडिया है, एक शिक्षक होने के नाते हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आखिर किस स्तर का पढ़ाई बच्चों के बीच डाली जाए ताकि वो बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे सीख सके, इसके लिए हम सदैव प्रयासरत रहते हैं, अपने तरीके से भी पढ़ाने का नया नया तरीका ईजाद करते हैं और साथ ही साथ इंटरनेट का समय भी है, वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ मदद ले लेते हैं, तो जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। यानी बच्चों को आप वो इन्वायरमेंट, वो माहौल देकर पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसे बहुत अच्छा लगता है। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर